आपने ना सबकी बात की, सबकी, लेकिन आपने एक बार मेरे और विनायक के बारे में नहीं बोला, नहीं सोचा। क्यों? हम आपका परिवार नहीं है क्या? और मैं क्या विनायक को लेकर पिकनिक पर जा रही हूँ? या मैं विनायक को उसके परिवार से दूर करना चाहती हूँ? अरे मेरे साथ ना इस घर में इतनी बार गलत हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा बुरा मुझे आज लग रहा है। पता है क्यों? क्योंकि मेरे पति को मेरी परेशानी, मेरे एतराज और मेरे बच्चे के लिए जो फिक्र है, उससे कोई लेना देना ही नहीं, उसे फर्क ही नहीं पड़ता। मेरा 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 आप ना इस घर के सबसे आदर्श बेटे बन के रहिए। आपको एक जिम्मेदार पिता, एक जिम्मेदार पति बनने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन मैं अपने बच्चे की भलाई के बारे में सोचूंगी, और वो करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं जानता हूँ, हम में से कोई तुम्हें रोक ही नहीं सकता, क्योंकि हम कोई भी नहीं रोक सकता तुम्हें। हम में से मजाले किसी की कि हम द ग्रेट डॉक्टर सई जोशी को रोके ना, कैसे रोक सकते? हम तो तुम्हें तब भी नहीं रोक पाए थे जब तुमने धोखे से देवी ताई की शादी करवाई थी, तब भी नहीं रोक पाए थे जब तुमने सरेआम पूरे मोहल्ले के सामने मेरे परिवार की इज्जत उछाली थी। मैं तुम्हें तब भी नहीं रोक पाया था जब तुमने अपनी गलतफहमी की वजह से मुझसे तलाक लिया था और चली गई थी। रोक पाया था? नहीं रोक पाया था मैं। वाह विराट, आपके मन में तो मेरी मेरी कितनी अच्छी रिपोर्ट कार्ड बना रखी है आपने। हाँ, अगर आपकी नजरों में मैं अपना हर रिश्ता निभाने में असफल रही हूँ, तो फिर आपने मुझे तब सपोर्ट क्यों किया? हाँ, महान बन रहे थे। महान? अरे बस करो, बस करो, तुम दोनों बच्चे हो क्या? क्या बोले जा रहे हो? इतने समय बाद, इतनी मुश्किलों के बाद तुम दोनों ने एक दूसरे को अपनाया है, आपस की सारी गलतफहमियां दूर कर दी है, और अब एक छोटी सी बात के लिए तुम ये रिश्ता तोड़ने की बात कर रहे हो, क्या ये? अरे तुम दोनों का रिश्ता, तुम दोनों की बातें अब तुम दोनों तक सीमित नहीं है। तुम दोनों के फैसले का असर तुम्हारे बच्चे पर, विनायक पर भी पड़ सकता है ना। बच्चे तो पति पत्नी का रिश्ता मजबूत बना देते हैं, लेकिन तुम दोनों हो कि अपने बच्चे को रिश्ता टूटने की वजह बना रहे हो। कल को ये बड़ा हो जाएगा, इसे पता चलेगा तो क्या बीतेगी उस पर? सोचो जरा, क्या सोचेगा तुम्हारा बच्चा? मत करो ऐसा सही, अपना इरादा बदल डालो सही, मान जाओ। आई बाबा रहने दीजिए, इसे कुछ भी समझाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जिसे हमारे जज्बातों की कदर नहीं है ना, तो उसके सामने इतना गिड़गिड़ाने की भी क्या जरूरत है? क्यों करें हम इतना? और सच कहूं बाबा, दिल से कह रहा हूं, मैं भी ना सही के इन ड्रामों से तंग आ गया हूं। इसके ये जो नाटक है, ये बोझ मुझसे नहीं उठाया जा रहा है, बस हो गया। ये हर बार मैं ही समझौता क्यों करूं? बोझ, समझौता? हां विराट, सही बात है। मेरे आभा ने मेरा हाथ आपके हाथ में थमाया था, तो मैं तो आपके लिए बोझ ही होंगी ना, आपके गले जो पड़ गई थी। बेचारा विराट, उसे सही के साथ समझौता करके रहना पड़ रहा है। थैंक यू सो मच मेरा दर्द समझने के लिए। और हाँ, मैंने बोझ उठाया है तुम्हारे अड़ियलपन का, तुम्हारे जिद्दीपन का, यहाँ तक कि तुम्हारी वजह से मैंने अपने भाई की आरती का भी बोझ उठाया है। चुप हो जाओ, बस। मत करो, ऐसे शब्द मुंह से कभी मत निकालना जिसकी वजह से तुम्हें जन्म भर पछतावा करना पड़ेगा। अरे नहीं आई, बोलने दीजिए। अरे इनके मन में मेरे लिए कितना जहर है, कितनी मुश्किल से बाहर आ रहा है। आने दीजिए जहर को बाहर, आने दीजिए। दुनिया के सामने इस रिश्ते को कितना खूबसूरत जाबा पहना रखा था ना, लेकिन आ गई ना इस रिश्ते की असलियत बाहर। अरे कितना बदसूरत निकला जी।
बहुत सच बोल लिया ना, अब सच सुनिए भी। मेरी जिंदगी में सबसे सच्चा और खूबसूरत रिश्ता था मेरा मेरे आबा के साथ, और वो आपने मुझसे छीन लिया। आपने मुझसे मेरे आबा छीन लिए। सही, दो थप्पड़ लगाऊंगी और तेरे दिमाग से ये घर से जाने का भूत उतार दूंगी। आप हाथ तो लगा के बताइए मुझे, सही। देखो, तब से हाथ जोड़ के कह रही हूँ कि तुम और विराट अलग मत हो प्लीज। मैं पहले अपने गुनाहों के लिए खुद को माफ नहीं कर पा रही हूँ। अगर तुम और विराट अलग हो गए ना, तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। सही, प्लीज प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज घर छोड़ के मत जाओ। भद्रलेखा प्लीज, तुम दोनों पति पत्नी के बीच में मत पड़ो, बात और बढ़ जाएगी बेटा। तुम बस चुप ही रहो, ये चुप रहना ही बहुत बड़ा योगदान है तुम्हारा इसमें। लेकिन अश्विनी मैम, वो पति पत्नी इतना कुछ सुनने के बाद आपको सच में लगता है कि ये इंसान मुझे अपनी पत्नी मानता है? दरअसल मुझे तो ये रोकना भी नहीं चाहते, ये सिर्फ विनायक को रोकना चाहते हैं। आप पूछिए इनसे, कुछ ही जाने देंगे। बकवास बंद करोगी अपनी? अच्छे से मेरी बात सुनना अभी। सही, अगर तुमने एक भी कदम इस दहलीज के बाहर रखा ना, हमारे बीच में जो कुछ भी है, जो रिश्ता है, हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर खड़ा एक भी इंसान चाहे कितनी भी कोशिश कर ले बचाने की, कि नहीं जुड़ेगा। वही तो मैं आपसे कह रही हूँ विराट, अब इस रिश्ते में टूटने जैसा बचाने के लिए कुछ है ही नहीं। ये रिश्ता टूट के बिखर चुका है। सही का बस हो गया। अरे तुम दोनों की वजह से तो सब लोग साथ आए। देखो, तुमने पुलकित और देवयानी की शादी कराई, विराट तुमने मेरे और नीना का रिश्ता फिर से जोड़ दिया, राजीव और शिवानी की शादी कराई, और अब तुम दोनों खुद ही के रिश्ते को तोड़। नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं करना है तुम दोनों को, बस तुम कहीं नहीं जाओगे, ये मेरा फैसला है और ये तुम्हें मानना पड़ेगा। आप ही ने कहा था ना कि हम दोनों के बीच में कोई नहीं आएगा, तो अभी आप भी चुप रहिए प्लीज। नहीं नहीं विराट, सही, हम दोनों के बीच में अभी कोई नहीं है, सिर्फ ये दहलीज का फासला है। अगर तुमने इस दहलीज के बारे कदम रखा तो समझ लेना कि तुमने मेरी जिंदगी के बाहर कदम रखा है। तुम मेरी जिंदगी से जा चुकी हो, यूं समझ लेना। अगर तुमने कभी भी इतना सा भी मुझसे प्यार किया था या मेरे लिए भावनाएं थी, तो तुम यहीं रुकोगी, सही, कहीं नहीं जाओगी। आपके दिल में मेरे लिए कितना प्यार है, कितनी इज्जत है, वो तो आपने तभी दिखा दी जब मेरे फैसले को नजरअंदाज किया था। जो मेरे सही कदम उठाने से रिश्ता टूट जाए, फिर उस रिश्ते का तो टूट जाना ही बेहतर। वैसे भी रिश्ता आपके लिए जिम्मेदारी थी, आपने ये जिम्मेदारी निभा ली। मैं डॉक्टर बन गई, अपने पैरों पे खड़ी हो गई, मान लीजिए आपकी जिम्मेदारी खत्म। वैसे कह रहा हूं सही, तुम्हारी ये हरकत हमारा रिश्ता तोड़ देगी हमेशा के लिए।
फैसला ले लिया ना तुमने, नहीं रुकोगी ना तो खड़ी क्यों जाओ यहां से।